हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। आज हमने क्या पकाया है वो मिश्की बताएगी। जल्दी से बताओ क्या बनाया मम्मी ने। रायता बनाया, रायता, बूंदी का रायता। यस, और बहुत शोर हो रहा है। शोर इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को मालूम मैन मार्केट में रहते हैं ना। मुश्किल सही है। तो आज मिष्टी नहीं गई है स्कूल, क्योंकि मिष्टी के स्कूल में पीटीएम थी और मैं पीटीएम भी अटेंड करने नहीं जा पाई, क्योंकि ऐसा कोई खास नहीं था पीटीएम में। सो मैंने कि चलो बाद में जाएंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि टीचर से मिलना है, कभी भी मिल सकते हैं वो तो जा ना। तो आज आपने मेन्यू सुन लिया। और माँ की तबीयत नहीं है ठीक, माँ को इसलिए खिचड़ी बनाई है। हाँ, बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनी है दाल चावल की मम्मी के लिए, क्योंकि आज मम्मी को की तबीयत सुबह से ही, मतलब इवन रात से ही थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो वो रेस्ट कर रही है। अभी हम दोनों ही काम निपटा के आए हैं मिष्टी हम, क्योंकि राधिका से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मिष्टी अपन राधिका से उम्मीद? हाँ, क्योंकि राधिका तो सच में मिष्टी है, छोटी सी दिखती जरूर है लेकिन है नहीं, है पटाखा है मिष्टी का। मिष्टी छोटा, क्या छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना। तो एक्चुअली क्या है, राधिका बहुत ज्यादा बिजी रहती है अपनी पढ़ाई में। अभी वो कोचिंग निकल गई 12 बजे, अब आएंगी सीधे 5 बजे। पढ़ाई अभी उनकी चल रही है, तो वो इतना आलस दिखाती है, उससे कोई भी काम की बोलो वो आलस दिखाई है। लेकिन मिष्टी के साथ ऐसा नहीं है, मिष्टी मेरी हेल्प बहुत कर देती है। और मिष्टी, सबसे बड़ी बात, मिष्टी को दया आती है मेरे ऊपर ना मिष्टी, कि मम्मा सुबह से लगी, चलो मम्मा का ये काम कर दे, मम्मा का वो काम कर दे। इवन रात में भी मिष्टी, मतलब जब सोने के पहले कितना काम वो पहले से ही करके रख देती है कि हाँ ये वाला, मैं जो देखने में छोटी सी है लेकिन हेल्प बहुत करती है ना मिष्टी। एम आई राइट? ना, मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, करती है इसलिए बता रही, वरना ये इनकी भी बुराई करती मैं तो बैठ के, यदि ये काम नहीं करती तो, है ना मिष्टी। हाँ, आज नहाएगी मिष्टी तो पहले वॉशरूम साफ करेगी खुद का, क्योंकि इन लोगों का सेपरेट है राधिका और मिष्टी का, ये दोनों ही यूज करती हैं वो वॉशरूम। तो एलर्जी हो रही है गाइस फिर से, वो धूप के कारण, धूप के कारण। तो मम्मी ने मेरा सब कुछ अलग कर दिया, साबुन भी अलग हो गई मेरी, अब पूरा सब कुछ अलग है मिष्टी का, क्योंकि मिष्टी को एलर्जी हो जाती है। मिष्टी मेरे ही जैसी है, मेरे को जैसे धूप से होती है ऐसी मिष्टी को भी धूप से हो जाती है एलर्जी। बड़ी अलग से तो चलिए दोस्तों, अभी बात करती हूँ मैं मुद्दे की। अभी अभी जा रही है मिष्टी अपना काम करने के लिए, तो उनके सामने तो मुझे थोड़ी सी बात नहीं करनी थी, तो मैं अकेले में ही बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि बच्चों के सामने ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग पर असर होती है सारी चीजें। तो मैं बात करने वाली थी आज की, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यदि आप ऐसी गलती नहीं करती तो आप भी अपनी बहनों की तरह सुखी होती। सही है, उनका कहना भी सही है। क्या हो गया बेटा? चलो मैं आके देखती हूँ, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत, मतलब अपने आप को सही ठहरा रही हूँ, ठीक है मेरे से गलतियाँ हुई हैं, और पर मैं पता एक चीज़ और बोलूँगी कि ये सब अपने ही कर्मों का दोष होता है, अपने ही सारी चीज़ें रहती हैं जो हमको वन बाय वन सामने आती जाती हैं, है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब हमारा ही पूरा मतलब करा हुआ है, ये होता है दोस्तों किसी किसी के साथ। आप देखो ना, ऐसा थोड़ी है कि यदि हम चार भाई बहन हैं तो चारों सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। जिसकी जो किस्मत में लिखा होता है वो उसको भोगना ही पड़ता है ना।
और कई लोग बोलते हैं कि भाग्य तो अपने हाथ से लिखा जाता है, तो यार ऐसा नहीं है यार, है ना। कुछ कुछ हम क्या अपने आप को अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहे क्या, मतलब जी जान से लगे हुए हैं कि यार अच्छा हो सब कुछ अच्छा हो, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती कभी कभी, है ना। तो ये कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि असर रहता है कुछ कुछ बातों का जो हमें पता नहीं चलता है। बाकी रहा आप लोगों का कहना कि मतलब बहनों की तरह सुखी होती, तो भगवान हम तो कहें हमारी बहनों को और सुख दो। हम तो कभी किसी की चीजों से ना जलते हैं ना कुछ है, क्योंकि वो उनके कर्म है जो आज वो भोग रही हैं, हम हमारे कर्म भोग रहे हैं। सब अपने ही कर्मों के अकॉर्डिंग उनको उनकी लाइफ मिलती है, तो फिर किस बात का वो करना, रिग्रेट करना यार। ठीक है यार, लाइफ जैसी है हम उसको, ऐसा भी नहीं यार, जब हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं तो हमें तो काफी बेटर फील होता है कि हम उनसे तो काफी बेटर है ना यार, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों मन में ये चीज लाना कि यार हम मतलब हमारी बहनों की तरह होते तो हम काश सुखी होते, ये होता वो होता। ठीक है, उनको उनके ऐसा नहीं है, सातों सुख किसी को नहीं होते, मैं आज आप लोगों को बता दूं, है ना। ठीक है वो सुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, उन लोगों की भी लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सातों सुख उनके पास है, लेकिन ठीक है हमारे पास कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनके पास कुछ कम प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम का परसेंटेज कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है ना। कोई भी यहाँ पर सातों सुख लेकर नहीं बैठा है, चाहे जिसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, सातों सुख किसी को नहीं मिलते हैं, है ना। तो फिर हम ये कभी नहीं सोचते, हमारे मन में भी नहीं आता है। मैं सही बता रही हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से बोला तो आज मतलब मैं इसलिए आप लोगों के लिए जवाब देने आ गई कि मेरे मन में कभी भी नहीं आता है कि काश मैं ये गलती नहीं करती तो मैं अपनी बहनों की तरह सुखी होती। ठीक है मेरे से गलतियां हुई हैं लाइफ में, लेकिन ठीक है यार अपने ही कुछ कर्म है और क्या बोल सकते हैं, है ना। वो अपनी चीजों को भोग रही हैं, हम अपनी चीजों को भोग रहे हैं बस, लेकिन खुश हैं यार हम तो। ठीक है कभी कभी मुझे रोना आता है, ठीक है, लेकिन खुश हूँ मैं, ऐसा नहीं है यार। मेरी बच्चियां बहुत अच्छी हैं, आपने देखा ना, टच वुड, भगवान ने यदि कुछ छीना है मुझसे तो मुझे बहुत कुछ दिया भी है ना। एक अच्छा आर्ट दिया है मेरे अंदर, है ना, जो बिरले लोगों में होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि मेरी पेंटिंग्स देखते हैं तो सभी लोग यही बोलते हैं कि मंजू जो तुम में है वो बहुत रेयर लोगों में होता है। तो मैं अपने आप को उस जगह खुश नसीब समझती हूँ, मेरी बेटियाँ अच्छी हैं, मैं उस जगह अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। आज मैं अपने बलबूते पे खड़ी हूँ, मैं अपने आप को उस जगह खुश नसीब समझती हूँ कि आज मेरे साथ किसी का भी नाम नहीं जुड़ा, ना मेरे पापा का ना मेरे हस्बैंड का, किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है। मैं खुद अपने आप में अपना एक वजूद लेके चल रही हूँ कि मैंने अपना नाम खुद बनाया है ना। तो मैं उस जगह खुश नसीब हूँ, तो मैं अपने आप को बदनसीब क्यों समझूँ, मैं तो कभी नहीं समझूंगी यार। ठीक है किस्मत है यार अपनी अपनी, लिख दी भगवान ने ऐसी, पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बैठे हैं, रोते थोड़ी रहेंगे पूरे टाइम कि यार हो जाता है, कभी कभी दुख लगता है तो रो भी लेते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है तो हंसते भी हैं, अच्छे से रहते भी हैं। जरूर थोड़ी कि पूरे टाइम हम रोते ही रहेंगे यार हमारी किस्मत ऐसी है ऐसी है, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है लेकिन मैं कंपेयर अपने आप को किसी से भी नहीं करती हूँ, सब अपना अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना ही कर्मों के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं क्यों अपने आप को किसी से, मैं बहनों से क्या, मैं किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करती, मैं क्यों करूँ कंपेयर अपने आप को। सब अपने आप में एक अपनी मिसाल है यार, क्यों करना है अपने आप को कंपेयर, क्या मतलब हम दोनों हम लोगों के बीच में क्या कंपेरिजन, ये भी है ना, क्या कंपेरिजन। बहने हो तो आप लोग कंपेरिजन करने लगे, लेकिन नहीं तो मत करो। मैं आप लोग साथ जोड़ती हूँ कि इस तरीके के मत कॉमेंट किया करो, ना बोला करो कि ठीक है अब आप लोग हो मेरे ही वेल विशर हो। मन में आ जाती हूँ कि कोई बात तो आप लोग लिख देते हो, इसलिए मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सुख से हैं, हम भी सुख से हैं, मम्मी पापा हैं। सोचो ना हम, आप ये आप लोग ये सोचो कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहने मिलना, ये चीज भी तो सोचो। प्लस पॉइंट सोचो ना, माइनस पॉइंट क्यों सोचना, है ना, कि आज कम से कम मुझे अपने पेरेंट्स की सेवा करने का मौका तो मिल रहा है, मेरी बहनों को नहीं मिल रहा। बेचारी रोती हैं जब भी आती हैं तो रोती हैं कि यार कम से कम तू मम्मी पापा को देख तो पा रही। हम लोग रोते रहते हैं बैठे बैठे कि यार मम्मी की तबीयत खराब होती है तो इतनी दूर से आ नहीं सकते हैं कुछ नहीं, तो कम से कम तू सब कुछ कर तो पा रही है। तो मैं उस जगह खुश नसीब हूँ ना यार कि मैं अपने पेरेंट्स
क्या सब कुछ कर तो पा रही हूँ, है ना। भगवान ने इतना तो मतलब मेरे लिए सोचा है, और कुछ वहां गलत है तो कुछ यहाँ सही भी है, ऐसा तो है नहीं, है ना। क्या दोस्तों, मैं तो अपने मन को हर तरीके से मनाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ठीक है, जब रोना होता है तो रो लेते हैं, लेकिन जब अच्छा सोचने को आता है तो मैं अच्छा भी सोच लेती हूँ कि यार ये सब तो है हमारे पास, इन सब चीज़ों को लेके हम आगे क्यों नहीं होप से जिए जितनी भी जिंदगी बाकी है। क्योंकि किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप लोगों को मालूम है यहाँ पर, किसको पल भर में क्या बीमारी हो जाए, क्या हो जाए, नहीं देखा है ना। इसलिए जितना टाइम मिला है, जितना समय मिला है हमको, उसमें हम खुश होकर जिए, मस्ती से जिए, अपने बच्चों के साथ मस्ती करें, अच्छे से जिए, और क्या चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, आज शायद आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि मेरा किसी से कोई कंपैरिजन ना करो, और ना मैं खुद करती हूँ किसी से अपना कंपैरिजन, है ना। मैं हूँ अपने आप में, मैं हूँ, बाकी मैं नहीं जानती कि कौन सामने खड़ा है, मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ, ठीक है। जैसी जिंदगी भगवान ने दी उसको एक्सेप्ट करके बैठे हैं, हमारे भाग में यही लिखा होगा तो हम ये भोग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो हमें तो लगता है कि हम उनसे तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, हमारे पास छत है रहने को, अच्छा घर है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, है ना, और क्या चाहिए। और आप जैसे अच्छे दोस्त भी हमारे पास, है ना, जो वेल विशर है हमारे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम।